गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है और ये है मेरी दुनिया की प्रिंसेस। क्या शी देखता है सुबह सुबह कैमरा को? हाँ, पता है टाइम क्या हो रहा है? देखो, दिख रहा है आपको? 6 बज रहे हैं। ये मैडम को घड़ी देखना आती ही नहीं ना, कोई मतलब नहीं है घड़ी से। इनका जब मन करता है ये तब सोती हैं, इनका जब मन करता है ये जागती हैं, और जब इनका मन करता है ये हमको उठा भी देती हैं। हम और इनकी मम्मा आराम से सो रहे थे और मैडम को अचानक लगा, अबे ये लोग इतना आराम कैसे कर रहे हैं? 6 ही तो बजे हैं, इनको उठ जाना चाहिए, इनको अच्छा बच्चा बनना चाहिए। 2 घंटे की नींद लेकर आप उठ गए हो, है ना? 2 घंटे की नींद लेकर आप उठ गए हो। पापा छुपा करते हो, पापा छुपा करते हो। देख लो मस्करी मस्करापन, देख लो मेरी बेटी का। चलो भाई, हमारी तो हो गई सुबह, तुम लोग कितने बजे जागे मुझे जरूर बताना। पापा को नहीं मारना, पिछले ब्लॉग में मम्मा की पिटाई करी थी आपने, याद है ना? पापा को तो नहीं मारोगे, पापा को तो नहीं मारोगे। और ये देखिए टाइगर हमें गुड मॉर्निंग करने आ गया है। टाइगर गुड मॉर्निंग बेटा। ये देखो ये भी सोने के मूड में लग रहा है मुझे। ओहो हो हो, ये तो आज फिर से मस्ती के मूड में आ गया भाई। वाह बेटे वाह वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। हैं, ऐश है भाई, इसकी और किंजा की ऐश है। टाइगर का भी जागने का कोई टाइम नहीं होता, कोई भी जाग गया होता है तो टाइगर भी जाग जाता है, और इनका तो सच में कोई टाइम ही नहीं है, है ना मेला मोटू मेला गोलू गोपाल। यार वैसे तो मेरी ड्यूटी होती है शाम को टाइगर को घुमाने की, लेकिन अब आज जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इतनी जल्दी उठ गया सुबह सुबह, मैं टाइगर को घुमाने सुबह ही आ गया हूँ। टाइगर कौन है? हाँ वो देखो भौंक रहा था अभी, अब उसने भौंकना बंद कर दिया। और एक और डॉग वहाँ पर, खतरनाक वाला, खतरनाक तो हमारे वाला ही है। देखो वो चला गया, वो गर्ल के हाथ में है और लैब है ब्लैक कलर का। गुस्सा क्यों कर रहा है? कितना प्यारा सा तो है वो। अरे नहीं, नो टाइगर नो, चल आ जा, चल चल चल। घूमने के बाद अपना काम होते, देखो कैसे घर भागता है। लीश खोल देता हूँ मैं इसकी और ये घर भाग गया। देखो अब इंतजार नहीं कर रहा मेरा। 11 बज रहे हैं, किंजा सो चुकी है, हमारी नींद तो उसने खराब कर दी, लेकिन अपनी नींद में वो 1% भी ना खलल आने नहीं देती। अब मैं भी सो रहा हूँ और शाम को उठ के बाकी का ब्लॉग बनाऊंगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने टोपी क्यों पहनी हुई है। यार एक्चुअली बाल मेरे बड़े ख़राब हो रहे थे और कोविड की वजह से ना मैं खुद को बस रोक रहा हूँ, मैं बाहर कटिंग कराने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैंने सोचा कुछ दिन और बर्दाश्त कर लेते हैं, ज़्यादा हुआ तो मैं खुद काट लूँगा अपने बाल। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी अपने बाल घर में काटा कोविड के टाइम में, जैसे सचिन तेंदुलकर ने। और जब तक शैम्पू ना करो ना तब तक बाल ठीक नहीं होते, इसलिए यार आज मेरा शैम्पू करने का अभी तो मन नहीं है। बाद में करेगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं टोपी में बैठा हूँ और व्लॉग में आज टोपी में ही बनाने वाला हूँ। शाम को मिलते हैं। ओ यार कितना मारती है, मम्मा का बदला ले लिया। मम्मा का बदला, मार क्यों रही हो पापा को? हाँ अरे इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है ये बता रही है। कैसे ऐसे कैसे? सबको बोल दो हेलो। तो पापा को जानना है। नो बेटा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस जुल्म से बचाओ। पागल है आपको? पागल है कैसे? ऐसे पागल थे? अरे ऐसे टंग निकाल ली टंग। अरे किसने दिखाई आपको ऐसे टंग निकालना? अरे ये देख लो ड्रामा देख लो। तो ये जो मेरे साथ में हैवी ड्राइवर है, ये मुझे कह रहा है कि मामा मुझे ना खेलने जाना है पार्क में, और मैं इसको कह रहा हूँ कि क्या करेगा, देख रहा हालत कितनी खराब हो रही है। अरे बहुत दिन से नहीं गया पार्क, कोई होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तुझे पार्क में, समझाओ। एक बार चल के तो देखिए। तू मास्क भी तो नहीं पहनता ना, मैं क्या करूँ? इन लोग को कितना भी बोल दो मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं होते। मैं मास्क पहन लूंगा, और अगर कोई ना मिला तो मैं पूरे फिर महीने तक तेरे को बाहर निकलने नहीं दूंगा, ठीक है ना? चलो चलते हैं, देखते हैं। शाम के बज रहे हैं गाइज अभी 5:30, और हम लोग जा रहे हैं पार्क में देखने के लिए कि कोई बच्चा है खेलने वाला या नहीं है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमें कोई नहीं मिलेगा, और आपके सामने इसकी पिटाई भी करूंगा मैं, देखना। सो गाइज देख लो, मैंने जैसा कहा था आपको वैसा ही हुआ, पार्क बिल्कुल खाली पड़ा है। कहाँ? वहाँ पे चल दिखा, आज ना इसकी पिटाई करूंगा मैं, देखना तुम। पूरा पार्क देखो खाली पड़ा है, बिल्कुल ही खाली है, कोई भी नहीं है। तो पार्क के दूसरे हिस्से में भी हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर भी ना बंदा दिख रहा है और ना बंदे की जात दिख रही है, देख लो, मतलब कोई है ही नहीं भाई। माहौल इतना ख़राब हो रहा है, कोई होगा भी कैसे? ये पार्क के हम लोग एकदम एक्सट्रीम एंड पर आ गए हैं, जहाँ से आगे पार्क है ही नहीं, ख़त्म ही हो गया। अजीब सा पार्क है वैसे हमारे वाला, ये ट्राइंगल सा बना हुआ है, ये देखो ऐसे करके ऐसे ट्राइंगल सा बना है पार्क में, और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। अब क्या कोने में क्या करेगा जाके? चल वापस, चल वापस, चल। सो गाइस ये रहा हमारा बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ पर हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, और बैडमिंटन कोर्ट में भी कोई नहीं है।
कहीं पे कोई है ही नहीं। वहाँ दूर मेरे को गार्ड भैया नज़र आ रहे हैं, वो अंदर हैं, लेकिन बंदा कोई नहीं है, बच्चा तो कोई है ही नहीं। इधर आ तू, इधर आ, इधर आ। दिख रहा है तेरे को पूरे पार्क में कोई? दिखा है तेरे को? खेलने का मन कर रहा है तेरे को? है तेरे खेलने का मन कर रहा है? लिखा है 12 साल की आयु से बड़े बच्चे झूलों का प्रयोग ना करें। थैंक गॉड मैं सिर्फ 11 साल का हूँ। कभी कभी 11 साल की उम्र में भी दाढ़ी निकल आती है, फिर क्या हो गया यार? मतलब तुम मेरे को जज मत करो। देख लिया हैवी ड्राइवर? कोई है ही नहीं, कोरोना चल रहा है। तो फिर तेरे को चुल मची हुई थी, खेलने जाना है पार्क में, मैं मना कर रहा था, तो फिर मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी तेरे को, है ना? तो अब हम आ गए हैं घर पर वापस, और हमारे घर की जितनी लेडीज हैं वो कर रही हैं काम इफ्तार का, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया। और ये रहे पकोड़े, और पकोड़े उसमें बन रहे हैं, ये फ्रूट चाट का सामान है। सो इफ्तार का टाइम गाइज हो गया है, ये हमारी रखी है इफ्तारी। वो देखो माई लिटिल मॉन्स्टर, उसका रोज़ा पहले खुल गया है। देखो उसने सोचा होगा कि क्या ज़रूरत है रुकने की, हम पहले ही रोज़ा खोल लेंगे। हाँ क्या खा रहे हो? पापड़ खा रहे हो? सो आज इफ्तार का टाइम है गाइस, 7:03, और सब लोग एकदम तैयार हैं। इधर पापा भी हैं, फैज़ भी हैं, और मेरी जगह वहाँ पर बीच में, मैं उधर आके बीच में अभी बैठने वाला हूँ। और ये किंजा हमारी खजूर खाते हुए, खजूर से हम लोग रोज़ा खोलते हैं। अरे वाह क्या बात है, ये देखो इसको जो चीज़ पसंद नहीं आती ना, ये ऐसे करके उसको बाहर कर देती है। वो देखो अली डांस करता है, खाते खाते में डांस करता है। हाँ डांस करता है, इसे ना कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो ऐसे डांस कर करके खाती है। देखो देखो टीवी का रिमोट पकड़ लिया, क्या बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, रिमोट ले लो उसके हाथ से, कुछ भी नहीं खाना होता बेटा। वो रखा आपका नीचे पापड़। हाँ और यहाँ पर हमारे घर के पास हो गई है बेमौसम की बरसात। अच्छा ही है वैसे तो, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, वैसे तो ऑलरेडी मौसम इतना कोई गर्म है नहीं। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी कि इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है अभी तक? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये नीचे भैया आ रहे हैं साइकिल पर। यार साइकिल और बाइक पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है बारिश का, गाड़ी वाले आराम से अपना बैठते हैं फुर्र से निकल जाते हैं, लेकिन बाइक पे और साइकिल पर परेशानी हो जाती है बारिश में। ये लो बिस्कुट, लो बिस्कुट खाओगा, बिस्कुट खाएगा मैं बेटा, ये लो। थैंक यू बोलो, थैंक यू। चलो दादी ने सिखाया ना, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। अरे वाह अरे स्माइलिंग बेबी, हाँ बिस्किट खा के कितना स्माइल करता है। हाँ हाँ इसमें दो बिस्कुट। हाँ अच्छा आप सबको बिस्किट ऑफर कर रही है किंजा, देख लो खा लो आप लोग भी। और ये किंजा ने अपनी गुड़िया पकड़ी ली फाइनली। हाँ हाँ अच्छी है गुड़िया। हाँ वैसे कभी अपनी डॉल से खेलती नहीं है, पता नहीं कौन सी आवाज़ अभी निकाल रही, कौन सा गाना गा रही है। अब आ गया हाथ में क्रेडिट कार्ड, अब ये किसी और खिलौने से नहीं खेलने वाली। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी करीब 8:15, और मेरा ना मन कर रहा है कि रात में मैं कोई मूवी देखूं। वैसे एक बात बताऊं, नेटफ्लिक्स पर, अमेजोन पर, हॉटस्टार पर, इस लॉकडाउन के बीच में जब से कोरोना आया लगभग सारी मूवीज़ देख ली हैं, बहुत कम मूवीज़ बची हुई हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सारी देख ली, उस पर तो हज़ारों मूवीज़ हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं ना टॉप रेटेड, वो सारी देख ली हैं। आज भी कोई मूवी देखने का मन है, लेकिन अकेले मूवी देखने में इतना मज़ा नहीं आता यार, जब तक आपके साथ कोई हो ना ना देखने के लिए तब तक वो फील नहीं आता। तो मैं ज़रा अपनी शिजुका को बुलाता हूँ और पूछते हैं कि शिजुका का कौन सी मूवी देखने का मन है आज। सदफ तो एक्चुअली मेरा ना आज कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, तो कोई खास मूवी है दिमाग में जो हम देख सकते हैं? नहीं देख तो कोई भी सकते हैं, लेकिन कोई खास? मेरा ना बहुत दिनों से वो दिल चाह रहा है, वो कौन सा? गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग आई थी ना, गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। तो लेकिन ना अमेज़न पर है, ना नेटफ्लिक्स पर है, ना हॉटस्टार पे है, कोई और ही देखनी पड़ेगी। ठीक है कोई और देख लेते हैं। वैसे सदा एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। ये जो आपका चेहरा है ना बिल्कुल गॉडज़िला जैसा है। आप भी तो बिल्कुल टेढ़े मुंह वाले सुनिए। भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।